क्या? ए इज अ सबसेट ऑफ बी। जो सेट ए है वो सारे के सारे जो सबसेट्स हैं इसमें आएंगे। प्रॉपर अगर हम कहते हैं कि वो है तो ये चीज, प्रॉपर वाले में वो इक्वल नहीं हो। ठीक है, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। जब ए जो भी सबसेट लोगे वो बी के इक्वल नहीं होगा। ए इज अ सबसेट ऑफ बी जब ए और बी, यानी कि जो बी सेट एज इट इज है वो अपना सबसेट हम कंसिडर नहीं करें। गॉट इट? अब इसी पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस जो हैं वो बन सकते हैं। आपको गिवन होगा, जैसे एक लेटर सपोज की सेट मुझे गिवन है एक 1, 2, और एक सेट मुझे गिवन है बी 1, 2, 3। तो ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट है या नहीं? नहीं है, क्योंकि एक एलिमेंट इसमें ज्यादा है। प्रॉपर का मतलब क्या है? प्रॉपर सबसेट। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा बनता है पावर सेट। पावर सेट ऑफ लेटर सपोज मुझे ए बनाना है। पावर सेट क्या होता है? सबसेट्स का सेट बनता है। तो व्हाट विल बी द पावर सेट ऑफ ए? फर्स्ट वाला सबसेट हमेशा क्या लेके चलते हैं? पाई हमेशा लेके चलना है। ये बन गया, उसके बाद 1। ऐसे लिखना है कि सिंपल 1 लिखना है? सेट सबसेट है ना, तो उसमें एनक्लोज करते हैं। नेक्स्ट 2, नेक्स्ट बन गया ये पावर सेट। अब ये बताओ कि पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आए? 4 आए। अब मान लो यहां पे मैंने साथ में ले लिया 3। अब क्या क्या और ऐड होगा इसमें? क्या मैम थ्री आ जाएगा? और टू कोमा थ्री 2,3 हो गया, 1, 2, 3। और कोई रह गया? कितने सबसेट्स बने? पावर सेट में कितने एलिमेंट्स बन गए? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जब ए में 3 थे तो इसमें 2³ 8 बने। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जब ए में 2 थे तो इसमें 2² 4 बने। यानी कि जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में एन होंगे देन पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? 2⁴ n। ठीक है, अब हाँ जी, जब मैंने 1,2 से बनाया था तो पावर सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स बने थे? एक आपका 5 जो है वो बनना ही बनना है। एक 1, एक 2, एक 1,2। कितने एलिमेंट्स बने? 4। 2² 4। जब मैंने 3 एलिमेंट्स ले लिए साथ में, यहाँ पे 3 ले लिया तो कितने एलिमेंट्स बने? 8, दैट इज 2³। 2⁴ वो पावर ले लोगे जितने एलिमेंट्स हो। अगर मान लो 4 एलिमेंट्स होते हैं यहाँ पे तो 2⁴ यानी कि 16 एलिमेंट्स होने थे पावर सेट में। अब अगर एन एलिमेंट्स है तो 2⁴ n एलिमेंट्स सबसेट्स होंगे आपके पावर सेट। ठीक है, 2⁴। इस तरह के क्वेश्चन जरूर करने हैं कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक सेट में इतने हैं तो नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स इन पावर सेट है या नंबर ऑफ वैसे सबसेट्स बन रहे हैं वो आपने लेके चलने हैं। सबसेट्स के लिए भी कितने उसके नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे? दैट इज अगेन 2⁴ n। ठीक है, प्रॉपर सबसेट्स 2⁴ n माइनस 1 कर दोगे क्योंकि जो वो इक्वल वाला है वो आप उसमें से रिमूव कर दो। गॉट इट? एम्प्टी सेट का अदर नेम वॉइड सेट वॉइड और नल। नल, वॉइड, नल और एम्प्टी। अगर एक आपको जो है एम्प्टी सेट मान लो दे दिया जाता है, सेट ए इज इक्वल टू दिस, इज इट अ फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट? दिस इज अ फाइनाइट सेट क्योंकि 0 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो दिस इज अ फाइनाइट सेट। आप उसको लिखोगे वॉइड सेट को या फाई या एम्प्टी ब्रेसेस, बट फाइव को अगर आप ऐसे एनक्लोज कर दोगे देन दिस इज नॉट अ नल सेट। ये ध्यान रखना है, यही छोटी सी जो है बच्चे गलती करते हैं तो इसका आपने स्पेशली ध्यान रखना है।
अच्छा उसके बाद एक वो वाली टाइप जरूर कर लेना जो टेस्ट में भी मैंने क्वेश्चन डाला था, 56 एलिमेंट्स उसमें मोर हैं वाला, ठीक है, दैट आई हैव डिस्कस्ड। अगर स्टेटमेंट है तो आई कैन डिस्कस राइट नाउ, इफ यू आर हैविंग द स्टेटमेंट यू कैन टेल। है उसमें कुछ ऐसा था आपका कि एक सेट ए में सेट बी के कंपैरेटिवली जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो 56 ज्यादा थे, तो नंबर ऑफ सबसेट्स से रिलेटेड था, तभी 2 रेस टू 5 लिया था। हाँ जी टेस्ट में था। असाइनमेंट में था, मुझे मिल गया है, आई एम जस्ट डिस्कसिंग बे। टू फाइनाइट सेट्स हैव एम एंड एन एलिमेंट्स, दो सेट्स हैं उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स एम और एन गिवन है हमें। द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट इज 112 मोर देन द सेकेंड सेट। नंबर ऑफ सबसेट्स इज गिवन बाय 2 रेस टू 5 एम, सेकेंड का 2 रेस टू 5 एन, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द फर्स्ट सेट इज 112 मोर देन द सेकेंड सेट। क्लियर? अब बताओ क्या करेंगे। टू हम एन कॉमन ले लेंगे, टू रेस टू एन पावर एन कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 रेस टू पावर एन टू एम माइनस एन माइनस 1 इज इक्वल टू 112। आगे। हाँ जी इसमें से ये माइनस करके पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, यानी कि ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है, यानी कि ये वाली पावर इससे बड़ी, तो हमने छोटी पावर बाहर ले ली। मान लो मेरे पास ये 2 रेस टू पावर 8 माइनस 2 रेस टू पावर 5 है, तो 2 रेस टू पावर 8 को मैं 5 × 3 लिख सकती हूँ ऐसे। इसमें से अगर अब मैं 2 रेस टू पावर 5 बाहर ले लूँ तो मेरे पास क्या बच गया, हाँ जी हाँ क्या बनेंगे, फिफ्टी सिक्स 28 14 एंड 7। अब यहाँ पे 2 रेस टू पावर m माइनस n माइनस 1 7 सेटिस्फाई कर रहे हैं इसको, 8 माइनस 1 इज 7, तो एक मैंने इसको 7 को लिख लिया, 8 माइनस 1, बाकी क्या बचा 2 रेस टू पावर 4, तो ये राइट हैंड साइड भी इसी फॉर्म में लिखी गई। 8 को अब क्या लिख लेंगे, 2³ अब आप कंपेयर करो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, तो व्हाट यू विल गेट, 2 रेस टू पावर n इक्वल टू 2 रेस टू पावर 4 एंड 2 रेस टू पावर m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 2³ माइनस 1। यहां से बेसिस सेम है तो पावर से इक्वेट कर दोगे, n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 4, और यहाँ पे -1 -1 कट गया, m माइनस n कितना आ गया आपका 3, n की वैल्यू 4 है तो m की वैल्यू कितनी आ गई 7, ठीक है, तो योर आंसर इज m कॉमा n यानी कि 7, 4। अब इसमें भी आंसर्स का ध्यान रखना कि आंसर m कॉमा n उन्होंने पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n पूछा है, तो m की वैल्यू 7 पहले 4 बाद में, अगर 4, 7 कर दोगे तो दैट विल बी रॉन्ग, क्योंकि उसने आपकी n की वैल्यू आपने पहले लिख दी और दूसरी जो वैल्यू है वो आपने बाद में लिखी है, ठीक है। चले अगले पे, वॉट इज दिस इक्वल टू,
किसके इक्वल है ये? इसमें जब आपको ऑप्शंस गिवन होंगी तो अकॉर्डिंगली यू विल डील विद दैट. अच्छा एक बार वो सारे रिजल्ट्स रिकॉल करो. ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन, बी कॉम्प्लीमेंट. यूनियन का जब आप कॉम्प्लीमेंट लोगे दैट विल बी इक्वल टू इंटरसेक्शन. इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी का जब कॉम्प्लीमेंट लोगे तो दैट विल बी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. देन ए क्रॉस बी यूनियन सी इज गिवन बाय. करेक्ट. ये मैंने ठीक लिखा है? इज इट करेक्ट? ए इंटरसेक्शन बी नेगेटिव. यस, यहां पे क्या आएगा आपका? नेगेटिव सम. ठीक है, सेम वे में number of elements of A intersection B is equal to number of elements of A plus B minus number of elements of A union B. Clear? Then belongs to वाले हम already discuss कर चुके हैं. Law of identity क्या कहता है? What is law of identity? पढ़े नहीं बिल्कुल भी. What is this equal to? A union अगर हम लेते हैं empty set के साथ तो this is A. Union में हमेशा जो बड़े वाला set होता है आप वो लेके चलते हो. Intersection में हमेशा जो छोटे वाला set होता है वो लेके चलते हो. इसी में अगर A और phi का मैं intersection निकालूं then That will be equal to phi. Intersection में हमेशा छोटा सेट, यूनियन में हमेशा बड़ा सेट. A union A is equal to एक सेट का उसी के साथ यूनियन. क्या कह रहे हो मधु? पूछना है कुछ? सेकेंड वाला A का एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट, तो phi के साथ phi कॉमन होगा और तो कोई बनेगा नहीं. हाँ जी, A union A is A. अगर मुझे गिवन है ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन व्हाट इज ए यूनियन बी इक्वल टू बी. क्योंकि ए सबसेट है बी का तो या ए बी के इक्वल होगा या ए बी से छोटा होगा. तो यूनियन में हम हमेशा बड़े वाला लेते हैं सेट तो दैट इज बी. यू इज रिप्रेजेंटिंग यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट का ए के साथ Union will give you universal set. जो last वाला है ये this is law of union. A union A is equal to A is idempotent law. This is universal law. ठीक है, उसके बाद जो properties आपको पता है A union B equal to B union A commutative law आपको पता है. Then law of identity A union phi is equal to A. Intersection का idempotent law और law of phi क्या बनेगा? हाँ जी, क्या आएगा इसमें? लॉ ऑफ फाइ क्या बनेगा इंटरसेक्शन का? ये बन रहे ठीक है. ऐसे ही लॉ ऑफ यू क्या बनेगा?
दैट इज इक्वल टू ए. उसके बाद आइडेंपोटेंट लॉ इसका क्या बनेगा, ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए. ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट्स आपका सिलेबस में नहीं है तो यू नीड नॉट डू दैट. उसके बाद जो मिसलेनियस में आपकी प्रॉपर्टीज हैं उनके रिजल्ट्स आपको पता होने चाहिए. डिफरेंस वाले छोड़ देना जो बीच में बनेंगे. ए इज अ सबसेट ऑफ इक्विवेलेंट कंडीशंस वाला देख लेना. ठीक है, इसमें ऑप्शंस जैसे आपकी ऐसे आ सकती हैं, फर्स्ट एंड सेकंड आर इक्विवेलेंट, मतलब ये चारों ऑप्शंस ऊपर दी होंगी. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4 मिसलेनियस एक्सरसाइज में. चारों ऑप्शंस दी होंगी आपको कि ये चारों जो हैं ऑप्शंस हैं, इनमें से नीचे जो, मतलब ये क्वेश्चन में गिवन होगा, ऑप्शंस में आ जाएगा 1 and 2 आर इक्विवेलेंट, 2 and 3 आर इक्विवेलेंट, ऑल ऑफ देम आर इक्विवेलेंट. तो उसमें से आपको इक्विवेलेंट वाले जो हैं वो चूज करने होंगे. उसके बाद ये ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए. देन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज अगेन इक्वल टू ए, ये आपको जो रिजल्ट है वो पता होना चाहिए. देन जो वेन डायग्राम वाले क्वेश्चंस हैं वो कर रहे हैं एक दो डिस्कस. एंड टुमारो वी विल स्टार्ट विद द रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 2. अब ये क्वेश्चन है हमारा, इन आउट ऑफ 500 कार ऑनर्स इन्वेस्टिगेटेड, दिस इज योर एग्जांपल नंबर 33 पेज नंबर 25, क्योंकि एग्जांपल्स हमने पहले डिस्कस नहीं किए हैं, सो आई एम डिस्कसिंग दैट नाउ. आउट ऑफ 500 कार ऑनर्स इन्वेस्टिगेटेड, टोटल जो है उन्होंने इन्वेस्टिगेशन जो की, सर्वे जो किया, वो कितने पीपल पे किया, 500 पे. यानी कि ये 500 जो है ये हमें यूनिवर्सल सेट लेके चलना है, जितने पर्सन पे सर्वे होता है दैट इज द यूनिवर्सल सेट. अब दे इन्वेस्टिगेटेड 400 ओन्ड कार ए. इन्वेस्टिगेशन में क्या पता लगा कि 400 जो पर्सन हैं उन्होंने कार ए जो है ओन की है, एंड 200 ओन्ड कार बी, एंड 50 ओन्ड बोथ ए एंड बी. ठीक है, अब हमें बताना है कि इज द गिवन डाटा करेक्ट और नॉट. देखो यूनिवर्सल सेट कितने एलिमेंट्स का बना, 500 का, क्योंकि 500 पे सर्वे किया गया. देन नंबर ऑफ पर्संस हु ओन्ड कार ए कितना गिवन है, 400. नंबर ऑफ पर्संस हु ओन्ड कार बी इज गिवन टू बी 200. नंबर ऑफ पर्संस हु ओन्ड कार ए एंड बी, एंड है तो इंटरसेक्शन गिवन है, so that is given to be 50. So क्या निकालना है हमें, we are to check whether the given data is correct or not. तो हम क्या करेंगे, A union B निकाल लेंगे. ये value जो है हमारी वो इससे less होनी चाहिए. अगर union जो सैंपल स्पेस हमें कह लो कि एक तरह का गिवन था कि जितनी पॉपुलेशन में हमने वो सर्वे कंडक्ट किया, अगर यूनियन उससे ज्यादा आ जाता है तो इट मींस जो आपका गिवन डाटा है दैट इज नॉट करेक्ट. सो क्या आएगा यहाँ पे, ए यूनियन बी इज गिवन बाय एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन डी, कितना आया 550, which is greater than union, universal set, so the given data is incorrect. Next question number, example number 34. उससे पहले example 32 भी देख लो एक बार. A market research group conducted a survey of 1000 consumers, so it means survey 1000 people पे किया गया, तो this is given N of U, 1000 consumers पे उन्होंने किया, and reported that 720 consumers liked product A. तो N of A हो गया 720. And 450 consumers liked product B. तो N of B आ गया 450. What is the least number that must have liked both the products? तो least number क्या होगा जो दोनों products को like करेगा.
क्या क्या गिवन है पहले तो बताओ. ये 1000 गिवन है, ये 720 और दूसरा 450. और क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है? हाँ जी. व्हाट इज द लीस्ट नंबर least number of consumers who liked both the products. मुझे ना यहाँ पे union given है, ना यहाँ पे मुझे intersection given है, दोनों नहीं पता मुझे. क्या करें? वैल्यूज पुट करो फॉर्मूले में, क्या आ रहा है आपके पास? एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. पुट द वैल्यूज, व्हाट विल यू गेट? हाँ जी, 1170 माइनस इंटरसेक्शन ये. हाँ तो अब क्या हुआ? अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसके अकॉर्डिंगली क्या था? जो आपका यूनियन है दैट शुड बी लेस देन यूनिवर्सल का, मतलब जो सर्वे वाला नंबर था, यानी कि जो ए यूनियन एन ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू है दैट शुड बी लेस देन 1000. तो इट मींस ए इंटरसेक्शन बी के बारे में आप क्या कहोगे, कितनी वैल्यू होनी चाहिए इसकी? कितनी होगी वैल्यू इसकी? क्यों? क्योंकि n ऑफ a यूनियन b जो है आपका दैट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1000. मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1000 हो सकती है. तो अब अगर आप यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू इसकी पुट कर देते हो तो a इंटरसेक्शन b की आपको वैल्यू क्या मिलेगी? दैट विल बी 170. अब ए यूनियन बी की वैल्यू 1000 से लेस भी हो सकती है, ठीक है? जब ये वैल्यू लेस होगी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू बढ़ती जाएगी. अब उसने हमसे क्या पूछा था? लीस्ट वैल्यू. तो लीस्ट वैल्यू इज 170. लीस्ट वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए हमने ए यूनियन बी की मैक्सिमम वैल्यू पुट कर, ठीक है? क्लियर है? चले अगले पे. अ कॉलेज अवॉर्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल, 15 इन बास्केटबॉल एंड 20 इन क्रिकेट. ये मेडल्स उन्होंने दिए 38 फुटबॉल में, 15 बास्केटबॉल में, 20 क्रिकेट में. इफ दीज मेडल्स वेंट टू अ टोटल ऑफ 58 मेन एंड ओनली 3 मेन गॉट मेडल्स इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स. तीन पर्सन ऐसे हैं जिनको तीनों के तीनों स्पोर्ट्स में मेडल्स मिले, तो हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स? कितने जनों को एग्जैक्टली जो है 3 स्पोर्ट्स में से 2 के अंदर जो है वो मिले, मेडल्स मिले, बताइए. फुटबॉल के हैं 38, देन बास्केटबॉल के हैं 15 और क्रिकेट के हैं 20, और तीनों में मेडल मिला, यानी कि एफ यूनियन बी यूनियन सी 58 जनों को, और F इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C जो है दैट इज 3. क्या फॉर्मूला था? फुटबॉल बास्केटबॉल क्रिकेट. आगे अब वैल्यूज हैं सारी,
चेक करो वेदर यू आर गिवन ऑल द वैल्यूज और नॉट. हाँ जी बी नहीं कौन कौन सी नहीं है ये वाली तीन बाकी सब हैं. पुट करो तो इन तीनों का सम आ जाएगा. निकालो क्या आ रहा है. जितनी वैल्यूज गिवन है वो सारी पुट करो तो यू विल गेट द सम ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी एंड सी इंटरसेक्शन एफ. उसने हमसे क्या पूछे फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु गॉट मेडल्स इन एग्जैक्टली टू ऑफ द थ्री स्पोर्ट्स. तो ये टू ऑफ द थ्री स्पोर्ट्स हैं. फिर आगे बताऊंगी कि और क्या करना है. पहले ये निकाल लो. एन ऑफ एफ आपको 38 गिवन है, बी 15 गिवन है, सी 20 गिवन है, यूनियन 58 गिवन है, इंटरसेक्शन 3 गिवन है. पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर. कितना आया 18. ये वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करके आ गया 18. पर इसमें वो पर्सन भी अवेलेबल हैं जिनको तीनों के तीनों जो मेडल्स हैं वो मिले. थ्री पर्सन ऐसे थे हु हैज रिसीव द मेडल इन ऑल द थ्री स्पोर्ट्स. तो तीन मतलब मेडल्स जो हैं वो पर्सन ए को मिले, तीन बी को मिले, तीन सी को मिले. ये वाले जो केसेस हैं वो इसमें भी इंक्लूडेड हैं. यानी कि 3 + 3 + 3 9 जो है वो आप इसमें सब्ट्रैक्ट कर दोगे जो तीनों के कॉमन वाले हैं तो यू विल गेट योर आंसर. क्लियर. सो दिस वाज योर चैप्टर. बाकी जो ये हैं क्वेश्चंस 13, 14, 15, 16 वाली टाइप जिसमें हम वेन डायग्राम बना के सेंटर से शुरू करते थे दैट टाइप ऑल्सो यू आर टू डू. ठीक है. So with this, I am ending the meeting. If any doubt.